भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका स्वागत है। एक प्यारी जैसा भी नींद की गोली की आदि को चुकी बूढ़ी माँ नींद की गोली के लिए जिद कर रही थी। बेटे की कुछ समय पहले शादी हुई थी। बहू डॉक्टर थी। बहू सास को नींद की दवा की लत के नुकसान के बारे में बताते हुए उन्हें गोली नहीं देने पर अड़ी थी। जब बात नहीं बनी तो सास ने गुस्सा दिखाकर नींद की गोली पाने का प्रयास किया। अंत में अपने बेटे को आवाज दी। बेटे न आते ही कहा, माँ मुंह खोलो। पत्नी ने मना करने पर भी बेटे ने जेब से एक दवा का पता निकाल कर एक छोटी पीली गोली माँ के मुंह में डाल दी। पानी भी पी ला दिया। गोली लेते ही आशीर्वाद देती हुई माँ सो गई। पत्नी ने कहा, ऐसा नहीं करना चाहिए। पति ने दवा का पता अपनी पत्नी को दे दिया। विटामिन की गोली का पता देखकर पत्नी ने चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। धीरे से बोली, आप माँ के साथ चीटिंग करते हो। बचपन में माँ ने भी चीटिंग करके इस चीज खिलाई है। पहले हो करती थी भी, जब मैं बदला ले रहा हूँ। यह कहते हुए बेटा मुस्कराने लगा। जय गुरुदेव। नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका स्वागत है। इनकार। एक नदी के किनारे दो पेड़ थे। उस रास्ते एक छोटी सी चिड़िया गुजरी आई। पहले पेड़ से पूछा, बारिश होने वाला है क्या, मैं और मेरे बच्चे तुम्हारे टहनी में घोंसला बनाकर रह सकते हैं? लेकिन उस पेड़ ने मना कर दिया। चिड़िया फिर दूसरे पेड़ के पास गई और वही सवाल पूछा। दूसरा पेड़ ने मना किया। चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी दूसरे पेड़ में घोंसला बनाकर रहने लगी। एक दिन इतनी अधिक बारिश हुई कि बाढ़ की वजह से पहला पेड़ जड़ से उखट कर पानी में बह गया। जब चिड़िया ने उस पेड़ का बहते हुए देखा तो कहा, जब तुमसे मैं और मेरे बच्चे शरण के लिए आए तब तुमने मना कर दिया था। जब देखो तुम्हारे इसी रुखे वर्ताव की सजा तुम मिल रही है। उसका उत्तर पेड़ ने मुस्कुराते हुए किया, मैं जानता था कि मेरी जय कमजोर है और उस बारिश में मैं टिक नहीं पाऊंगी। मैं तुम्हारी और बच्चे की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था और मना करने के लिए मुझे क्षमा कर दो। और यह कहते कहते पेड़ बह गया। किसी के इनकार को हमेशा उनकी कठोरता न समझे। क्या पता उसी इनकार के आपका भला हो। कौन किसी परिस्थिति में है शायद हम नहीं समझ पाए। जय गुरुदेव। नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका स्वागत है। सहज साधना। एक स्त्री ने दो चाकू खरीदे। एक को उसने सुरक्षित अलमारी में रख दिया और दूसरे को प्रयोग में हमेशा लिया सब्जी और फल काटने में। दूसरा हमेशा पहले से चलता देखा। कितना प्यार करती उस संभाल के रखा, मुझे रोज प्रयाग करती है। वर्ष पर बाद एक दिन त्योहार में दूसरे चाकू की आवश्यकता पड़ी, लेकिन सभी उपयोग न होने के कारण रखे रखे उसमें अंग जग गया। आवश्यकता पड़ने पर काम न आ सका। मित्रों, इसी तरह यदि हमने दीक्षा ली और नियमित उपासना साधना आराधना के साथ सत साहित्य का नियमित अध्ययन नहीं किया
तो हमको अपेक्षित सफलता नहीं मिलेगी। हमारी साधना में प्राण नहीं आएगा, हमारी गुरु दीक्षा जंग लग जाए और हमारा उद्धार नहीं हो पाएगा। साधना में प्राण आएगा ईश्वर के प्रति सच्चे प्रेम, निमित्ता जप ध्यान और स्वाध्याय, सच्चे भाव श्रद्धा और पूर्ण विश्वास से। जय गुरुदेव।